ये तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जनपद की। दरअसल आपको बता दें कि बाराबंकी जनपद में सांस्कृतिक ग्रामोदय सेवा संस्थान की तरफ से बांटे गए साबुन, मास्क, सैनिटाइजर। इस दौरान आपको बताते चले कि लोगों व ग्रामीणों को जागरूक भी किया गया और किस तरह का माहौल बना रहा, यह हम इसकी तस्वीरों पर देख सकते हैं। आपको बताते चले कि घर घर जा करके सेवा संस्थान के पदाधिकारियों ने लोगों को कोरोना वायरस से बचाव के उपाय भी बताए और सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बताते हुए मास्क और सैनिटाइजर वितरित। हमारा संस्थान संस्कृति ग्रामोदय सेवा संस्थान समाज के लिए हमेशा तत्पर है, 24/7 तत्पर रहता है। अभी नोवल कोरोना वायरस महामारी से पूरी दुनिया जूझ रही है, उससे संक्रमण के बचाव के लिए संस्कृति ग्रामोदय अपनी पंचायत में पंपलेट के माध्यम से, जन जागरण के माध्यम से निरंतर लोगों को जागरूक करता रहा है। आज दिनांक 26/7/2020 को हम और हमारी टीम के साथ कुलदीप भाई हैं और हर्षित भाई हैं, निष्पक्ष न्यूज, इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। रवि एडवोकेट, विधि सलाहकार, इन लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए लोगों को सैनिटाइजर, मास्क और साबुन बांटे तथा जो बुजुर्ग हैं 60 साल के ऊपर हैं उनको विशेषकर जागरूक किया गया। इसके बारे में नवयुवकों को भी बताया गया कैसे जीवन दिनचर्या रखनी चाहिए, गुनगुन पानी पीना चाहिए, इसके बारे में भी जागरूक किया गया। और सोशल डिस्टेंसिंग जो महत्वपूर्ण है, जो कोरोना की कड़ी को तोड़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तरीका है वो सोशल डिस्टेंसिंग, उसके बारे में भी हम लोगों ने ज़्यादातर।